हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ ऑन जनरल साइंस का लेक्चर एट है यूपीएससी ईपीएफओ एस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप सीडीएस एनडीए एस डी इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है उसके अलावा अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उन सब में ये वाले सवाल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ओके okay? एंड uh, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वेरियस एंड अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर एट के अंदर वो सी डी एस जो आपका फेबररी में हुआ था उसमें से ये क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं तो प्रोसेस वही रहेगा पांच क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन आपने उनको देखना है अच्छे से और खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है ठीक है फिर सल्यूशन डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट या एक पैरा बेस्ड क्वेश्चन आप इसको समझिए तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विगरेसली विद वाटर सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन होता है एंड इस रिएक्शन की वजह से स्लेक्ड लाइम की प्रोडक्शन होती है और ये जो स्लेग्ड लाइम का सोल्यूशन होता है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वॉल्स के ऊपर आप पेंट वगैरह करते हो ना वाइट वॉश करते हो उसमें देन दिस स्लेक्ड लाइम जब आप इसको वॉल्स uh, के ऊपर अप्लाई कर देते हो तो दिस स्लेक्ड लाइम रियक्ट विद कॉम्पोनेट ए इन द एयर कॉम्पोनेंट ए जो होता है एक एक्स वाई जेड जैसे हम बोलते हैं ना कॉम्पोनेट एक्स एक तरह से आप इसको समझो फिल इन द ब्लैंक है तो कॉम्पोनेंट ए के साथ रिएक्ट करता है एयर में टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पोनेंट बी ए के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से बी फॉर्म हो जाता है वॉल्स के ऊपर जिससे शाइनी फिनिश आता है वॉल्स पे। तो आपको बताना है ए और बी क्या है ऑप्शन ए कहता है कि एजू एंड बी इज सी ए सी ओ थ्री बी कहता है एज सी ओ टू एंड बी इज सी एच टू सी कहता है एज ओ टू एंड बी इज सी एच टू एंड डी कहता है ए इज सी ओ टू एंड बी इज सी ए थ्री डायरेक्टली एज इट इज लाइंस कॉपी पेस्ट की हैं एग्जामिनर ने एन सी आर टी में से चेंज नहीं किया कुछ भी ठीक है बस दो जगहों पर ए और बी कर दिया ठीक है तो आंसर इस केस में क्या होगा देखो आप मैंने आपको बार बार जनरल साइंस कराते हुए एक चीज बोली है कि क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं साइंस के ठीक है जो बहुत ज्यादा थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो अगर आपको वो नहीं भी समझ आते तो इतनी टेंशन लेने वाली बात है अभी ये जो क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है व्हाइट वॉश होते हुए हम सब देखते हैं डेली लाइफ का पार्ट है ये ठीक है तो आंसर इस केस में होगा ऑप्शन डी तो स्लेग्ड लाइम जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है जो शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को ठीक है तो ये आपका रिएक्शन होता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड सी वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड अल्टीमेटली आपका स्लेग्ड लाइम प्रोड्यूस होता है ये जो स्लेग्ड लाइम का सोल्यूशन होता है इसको आप वॉल्स पे पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हो जब आप पेंट कर देते हो इस स्लेट लाइम को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो ये जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करेगा विद इन टू थ्री डेज ठीक है और रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म कर देगा जिसको आप सी एस सी ओ थ्री बोलते हो वॉल्स के ऊपर ठीक है जी और इस सी एस सी ओ थ्री की लेयर की वजह से एक शाइनी फिनिश आता है वॉल्स के ऊपर तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हु amongst द फॉलोइंग इज अ pioneer in discovering the heating effect of electric current? इन डिस्कवरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनमें से किसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है अभी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या उतना सब डिटेल में नहीं जाएंगे अपने को बस यहाँ पर ये यह देखना है कि किसने किया था तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है यूपीएससी ठीक है डिस्कवरी से रिलेटेड एन में बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना ब्लू कलर के उनमें इस तरह की डिस्कवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने दी होती है ओके तो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी जेम्स पी जोल ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज फॉर सो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इनमें से आप कौन सा सोडियम कंपाउंड जो है यूज करते हो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वन सगेन ओके ऑप्शन ए से इज एन ए टू सी ओ थ्री ऑप्शन बी सी इज एन एच सी ओ थ्री ऑप्शन सी से इज एन एच ऑप्शन डी सेन ए टू देखो यहाँ पर सारे केमिकल नेम्स गिवन ने एग्जामिनर चाहे तो वो आपको जो प्रॉपर मार्केट नेम्स होते हैं वो भी दे सकता है ओके okay, तो इस केस में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एन ए टू सी ओ थ्री अब आपका एन ए टू सी ओ थ्री को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट तो ये यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए और वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है एन ए टू सीओ थ्री ओके okay? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है अभी तक हमने पहला क्वेश्चन जो देखा वो एप्लीकेशन बेस्ड था दूसरा क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको भी लर्न करना या ग्रैप करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप एनसीआरटी के सारे बॉक्सेस को एक बार फॉलो कर लोगे तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ईजिल सॉल्व हो जाते हैं थर्ड क्वेश्चन भी आपका जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन ये एक डीप क्वेश्चन है इसके लिए साइंस की नॉलेज चाहिए ये एप्लीके इसको हम कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि नॉन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि डेली फिनोमिनल है हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ठीक तो है तो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है रेनबो से रिलेटेड है ठीक है अब आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो आसमान में जब रेनबो आता है सबको दिखता है ठीक है तो एक कॉमन फिनोमिनन से रिलेटेड है जब मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ये बोलता हूं तो उसका मतलब उसमें कॉमन फिनोमिन आ जाते हैं अपने आप जो डेली हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है तो एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हो तो अब ये क्या कहता है कि जो लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है उसमें जो प्राइमरी रेनबो बनता है जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें कितनी बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जीरो वन टू या फिर मोर देन टू ओके डायरेक्ट एनसीआरटी का क्वेश्चन है प्लस वन की एनसीआरटी है वहां से डायरेक्टली इसको पिक अप किया गया क्वेश्चन को ओके okay? तो आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन बी वन ठीक है वन एक टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जरा समझते हैं देखो रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है सनलाइट आती है ठीक है रेनी सीजन में वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सनलाइट को रिफ्रेक्ट करते हैं ठीक है पहले वो सनलाइट को रिफ्रेक्ट करते हैं उसके बाद जो ड्रॉपलेट है वो ही सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है अब जब अब रेनबो फॉर्म होता है तो दो तरह के रेनबोस फॉर्म होते हैं एक को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो कब फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्शन के बाद सिर्फ एक सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन होती है यही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था ना कि प्राइमरी रेनबो में कितनी बार रिफ्लेक्शन होती है तो सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन होगी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ठीक है और राइट अब जो कलर फॉर्म होगा इस प्राइमरी रेनबो में वो डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट क्या है ठीक है और क्या बैंडविट होगा हर कलर का कितने ज्यादा कलर्स होंगे वो सारा क्या डिसाइड करेगा कि वाटर ड्रॉपलेट का साइज क्या है अगर वाटर ड्रॉपलेट का कम साइज है तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी कलर्स की ब्राइटनेस कम होगी और जो विर्थ होगी हर कलर की वो भी कम होगी अगर ड्रॉपलेट साइज बढ़ा है तो वर्सा ओके रेनबो इज ऑलवेज सीन इन द पार्ट ऑफ द स्काई विच इज ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स तो लाइट सोर्स कौन सा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन को लेकर के चल रहे हैं एज अ लाइट सोर्स तो जो रेनबो फॉर्म होगा वो हमेशा सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा जब हम प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं अगर हम सेकेंडरी रेनबो को देखते हैं ठीक है तो ये जो सेकेंडरी रेनबो है ये प्राइमरी रेनबो के बाहर आपको देखने को मिलता है ठीक है और इसमें क्या होता है जो वाटर ड्रॉपलेट है इसमें दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है प्राइमरी रेनबो में एक बार हो रही थी सेकेंडरी रेनबो में दो बार हो रही है अब सेम क्वेश्चन के ऊपर मैं जाऊं अगर जो यूपीएससी ने 2021 में सीडीएस में पूछा है अगर मैं यहां से सिर्फ प्राइमरी को काट करके सेकेंडरी कर दूं, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन भी चेंज हो गया और आंसर भी चेंज हो गया तो जो यूपीएससी वाले क्लेम करते हैं कि हम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते तो इस तरह से वो क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर दिया आंसर वन की जगह जो है सी हो जाएगा जो ऑप्शन टू है सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा जिसमें टू इंटरनल रिफ्लेक्शन है ओके okay? तो प्राइमरी रेनबो में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन सेकेंडरी रेनबो में टू टाइम्स इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ओके okay? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है इसी वजह से जो सेकेंडरी रेनबोज हैं वो प्राइमरी रेनबो के कंपेरिजन में कम ब्राइट होते हैं तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में या डिफरेंसेज पूछने की कोशिश करता है तो आपको पता

उनका पैटर्न प्राइमरी रेनबो के जो कलर्स होते हैं कलर्स का पैटर्न होता है उनसे कंप्लीटली ऑपोजिट रहता है ठीक है ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है ठीक है संडे ट्रीट क्वेश्चन है तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या हम स्टडी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उन जिन पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं तो वो किस साइज रेंज में आते हैं तो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं या नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो पार्टिकल्स किस रेंज में होते हैं दे आर बिटवीन वन टू हंड्रेड नैनो मीटर ओके सो बी विल बी द करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन था सीडीएस में पूछा गया था इजी क्वेश्चन है इसको हम मुश्किल की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे ओके चलिए और वे तो यहाँ पर हमारे पांच क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं जो पेड़ एमसीक्यूज नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्सेज का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है बाकी की वीडियोज आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय